ये हमारे विधानसभा क्षेत्र का मामला है, बड़राव ब्लॉक है। वहाँ हमारी पूर्व जिलाध्यक्ष जी की पत्नी जो भारतीय जनता पार्टी की जो समर्थित प्रत्याशी पूजा राय है, वंदना राय जी चुनाव लड़ रही हैं, उन्हीं की ये देवर थे, मौसेरे देवर थे। चुनाव में उनके वहाँ गए थे और चुनाव का जब समय चलता है तो उनके वहाँ बंद कर लीजिए संख्या में लोग थे, चूँकि कल चुनाव है, इस नाते सबको अपना समर्थकों को जुटा करके भोजन वोजन की व्यवस्था थी। कुछ सामान घटा है, वो सामान लेने निकले हैं क्षेत्र में, तो विपक्षी जो खेमा है, जैसा सूचना जैसे हमको मिल रही है इन लोगों के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो विपक्षी खेमा है, जो मिश्रा है, जो पूजा मिश्रा जो अनावश्यक इधर उधर की बातें कर रही थी कल, उनके समर्थकों द्वारा, उनके लोगों द्वारा, जिनकी हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं, जो संतोष राय अभी घायल हैं देखे हैं, तो उनके साथ जो लोग हैं, वो दर्जनों की संख्या में आए थे लोग, जैसा कहना है इन लोगों का, और फायरिंग किए, दो गाड़ी से थे लोग, फायरिंग किए, उनको उठा के मतलब जान से मारने तक का प्रयास ये लोग किए हैं। अभी ठीक है, यहाँ से स्थिति तो डॉक्टर बताएंगे, वहाँ हम लोग लेके आए हैं, वहाँ से अपना जो वहाँ CHC था वहाँ से रेफर कराए, फिर उसके बाद जिला अस्पताल लेके आए। डॉक्टरों का ये कहना है जल्दी से जल्दी इनको उचित व्यवस्था हो जाए इलाज की, और उसमें हम लोग लेके चले गए। हम लोग क्या कार्रवाई होगी? अभी कार्रवाई हम लोग प्रशासन के लोगों से बात करते हैं, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, हम लोग हमारी सरकार भी कहती है, लेकिन इस प्रकार का देख रहे हैं जो ये समाजवादी लोग हैं, उनसे समर्थित लोग हैं, इस प्रकार का ये तांडव मचा रहे हैं। ये तो भाजपा से जुड़े व्यक्ति थे, नहीं ये कहना है उनका, अगर भाजपा से जुड़े व्यक्ति होते तो भाजपा का जो निर्णय होता, भाजपा का कार्यकर्ता हर निर्णय मानता है, उनका सिर्फ कहना है वो अवसरवादी हैं, वो दूसरे अन्य दलों से आए हुए हैं, ऐसा